हेलो गाइस, सॉरी सबसे पहले कि ये वीडियो लिटरली बहुत ही ज़्यादा लेट है। एक मंथ हो ही गया होगा इस वीडियो को। और थैंक यू सो मच, लास्ट वीडियो पे 50 लाइक आ गए यार, ऑलमोस्ट 200 व्यूज़ आ गए थे। तो डेजर्ट का पार्ट टू ये था, और एकदम सिंपल है, ज़्यादा मैं कुछ करूँगा नहीं, आई मीन करूँगा बहुत कुछ करूँगा। मैं पहले पूरा डेजर्ट ट्राई करूँगा, एक्सप्लोर करूँ जितना हो सके, क्योंकि डायमंड्स चाहिए होती है और लूट्स चाहिए मुझे। डेजर्ट टेम्पल वगैरह लूटूंगा, विलेज लूटूंगा, विलेजर्स को लूटूंगा, मतलब एक टाइप से मैं लूटे रहा हूँ। और मैं यहाँ कोऑर्डिनेट्स देख लेता हूँ लास्ट के लिए, अपना घर मेरे को याद रहे, और मैं बाकी जो होते हैं ना, फूड, टूल्स, सील, ये सब मैं बना लेता हूँ कि मेरे को आगे कहीं प्रॉब्लम बिल्कुल ना हो। अगर प्रॉब्लम हो गई तो प्रॉब्लम होगी, दोनों एक ही होते हैं। मैं फूड और टूल्स बना लेता हूँ, एक्स्ट्रा आयरन ले लेता हूँ, क्योंकि फिर मेरे को कहीं माइनिंग की ज़रूरत ना पड़ेगी। इन केस आयरन गोलम मिलेंगे मैं उनको मारूँगा। ये शेड बना लेता हूँ मैं, वो मेरी बहुत हेल्प करेगी। इन केस ज़्यादा मोब आ गए तो वो शील्ड हेल्प करेगी, तो मैं शील्ड बना लेता हूँ। फिर थोड़े बहुत लास्ट में ये आयरन ले लेता हूँ, 11 आयरन, 10 आयरन बहुत हैं। टूल्स इन केस मैं ज़्यादा माइनिंग पे गया तो टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं ये एक्स्ट्रा वुड थी तो मैं खाली कोटे मेरा स्टोरेज ले रहा था, तो मैंने उसको प्लेस कर दिया ख़त्म, और मैं निकल लेता हूँ एडवेंचर के लिए। तो जैसे ही मतलब कि मैं जाता हूँ, थोड़ा दूर मेरे को एक छोटी सी प्यारी सी रिबिन दिखती है, मैं उसको इग्नोर ही कर देता हूँ। देखो ये, मैं देखता हूँ क्या है, कुछ है, ज़्यादा ज़्यादा नीचे तक जाती नहीं है। अगर नीचे तक जाती तो मैं ट्राई करता पूरा, पर सामने विलेज था और विलेज को लूटना एक इम्पोर्टेंट है, तो मैंने पहले विलेज पे ध्यान दिया, रिविन को इग्नोर कर दिया। आगे जाकर एक ख़तरनाक रिविन मिलेगी और ख़तरनाक सीन्स दिखेंगे, तो उसके लिए रेडी रहना। तो मैं जितनी हो सके उतनी हेवी ले लूँगा, क्योंकि फूड इम्पोर्टेंट है और फूड मैं ज़्यादा से ज़्यादा कैरी करके चलूँगा। ओके, मैं ये नल्ले विलेजर वालों में क्या करते रहते, जबकि सामने ब्लास्ट फर्नेस पड़ा है, उठा ले, लेकिन नहीं, आई मीन काम ले ले, लेकिन नहीं, इनको लेना ही नहीं है। तो मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ, फिर आगे जाकर देखता हूँ कुछ और विलेजर्स के रूम में, तो कुछ नहीं मिलता, मतलब कि फिर सोना ही होता है मेरे को। अभी रात हो गई थी और रात को मैं ज़्यादा बाहर नहीं रहना चाहता हूँ, तो पहले मैं ट्राई करता हूँ सोने को। पर मोन्स्टर, ये बच्चा बच्चे को मोन्स्टर बना दिया, कोई बात नहीं, आयरन गोलम उड़ा देता है। देखो ये मैं सोच रहा था उड़ाने का, पर आयरन गोलम है तो मेरी क्या ज़रूरत, तो आयरन गोलम उड़ा देता है सिंपल, और मैं सो जाता हूँ आराम से। ओके, ये वाला खतरनाक, मेरे को मालूम नहीं था कि क्रीपर मेरे जस्ट पीछे आ गया है। मैं इसको इसको मारने के चक्कर में क्रीपर से बढ़ते बढ़ते बचा, तो मेरे को ध्यान रखना है, क्योंकि मैं तब हेडफोन्स नहीं पहनता था जब ये मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी, हेडफोन्स नहीं पहनते थे मैंने, ना ईयरफोन ना कुछ, तो इसलिए मेरे को जल्दी मालूम नहीं पड़ा। तो ये भी मतलब कि मैं जब भी मतलब किसी मॉब को मारूंगा तो जंप करके मारूंगा, क्योंकि वो बहुत ही डैमेज देता है, और मैं जितना हो सके उतना जल्दी सीखूंगा कि हाँ सही से मारूँ मैं। अदरवाइज मेरी ये गलतियाँ बहुत हो रही है कि मैं मार नहीं पा रहा सही से क्रीपर को ना किसी मॉब को। देखो मेरे को वो डैमेज दे दे रहे हैं, तो ये मेरे को इम्प्रूव करना है, तो मैं धीरे धीरे जल्दी कर दूंगा। ओके, तो आगे मैं और लूट लेता हूँ, और ये आयरन गोलम मिलता है तो मार लेते हैं इसको, सिंपल, मेरे को आयरन चाहिए, और आयरन के बिना मतलब कि आयरन जितना हो सके उतना कलेक्ट करें, घर में भी काम आएगा और आगे मेरे को फिर और भी काम है। आगे एक मस्त चीज़ बनाई है मैंने, तो वो भी दिखेगी आपको। तो इसको जितना हो सके उतना मारता, ये आसमान में देख रहा था, दुआ कर रहा था कि मेरे को कोई बचा ले, पर कोई नहीं बचा पाया। तो मैं फिर आगे निकल लेता हूँ, मैंने एक वाटर बकेट बना ली थी रास्ते में, तो मैं जैसे ही निकलता हूँ, अब आगे मेरे एक रूबिन पोर्टल मिलता है सामने ये जस्ट, पर इस रूबिन पोर्टल में मेरे को चेस्ट नहीं दिखी कहीं भी, मैंने पूरा खुद डाला, तो वो मैंने पार्ट बहुत स्किप कर दिया है, मैं वो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि बहुत खुदा यार। तो मैं निकल लेता हूँ, यहाँ पर कुछ नहीं था, मेरा टाइम वेस्ट और हो गया। सामने ही एक डेजर्ट टेम्पल, मेरे को लिटरली चैन की सांस मिली, यार डेजर्ट टेम्पल, चलो मेरे को डायमंड वगैरह मिलेंगे तो और लूटूंगा, तो मैं ये डेजर्ट टेम्पल लूटता हूँ, देखते हैं क्या मिलता है। अच्छी चीज़ तो नहीं मिलती है मेरे लक के हिसाब से कभी कभी जावा में, पर मैं ट्राई करता रहता हूँ कुछ ना अच्छा तो मिले, तो मैं ये खोदता हूँ और ये देखना लक, मेरा लक चरण सीमा पे है इस बार, चरण सीमा में इस वीडियो में लक मेरा बहुत ही ऊपर है।
डैमेज होता ही रहता है मेरे को। और मैं ये जस्ट ये तोड़ लेता हूँ और लूटता हूँ। मेरे को दो तीन एम्ब्रल, कुछ गन पाउडर ये सब मिल जाता है, मैं उठा लेता हूँ। ये मैं ट्राई कर रहा था कि मालूम नहीं कैसे होता है कि मेरे को क्या डबल टैप करना होता है कि मेरा एक साथ जो चीज़ें हों वो एक साथ आ जाए एक साथ। तो मैं वो ट्राई कर रहा था, वो नहीं हुआ था इस चेस्ट में। मेरे को मालूम नहीं था क्या होता है, तो मैंने इधर ट्राई किया, इधर भी देखा। वो भाई मेरे को गोल्डन एप्पल मिल गया था, एक इन्फिनिटी की बुक मिल गई थी। ये मेरे बो के लिए काफ़ी अच्छी है क्योंकि यहाँ पर चिकन स्पॉन नहीं होती है, तो मेरे को एक स्केलेटन मार के एक बो मिल जाएगा, तो वो अच्छा रहेगा। फिर मैं इधर देखता हूँ एक और गोल्डन एप्पल, और मेरे को यहाँ पर एक सिल टच की बुक मिल जाती है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं इस बुक का यूज़ करके अपने जो ओवरवर्ल्ड में वो वहाँ पर नेदर की जो वुड होती है ना वो ओवरवर्ल्ड में ला सकता हूँ, मतलब कि उनकी जो लेयर होती है जिसपे वो उगते हैं तो वो मैं ला सकता हूँ ओवरवर्ल्ड में। तो वो इजी रहेगा मेरे लिए कि मेरे को वुड के लिए नेदर में जाने की जरूरत ना पड़े जल्दी। तो मैं जल्दी लूटता हूँ और लास्ट के TNT ले लेता हूँ, बाद में दिखाता हूँ क्यों मैं ये बोल रहा हूँ। तो मैं सब लूट लेता, देख लेता हूँ पहले कुछ है तो नहीं, भूल तो नहीं रहा। फिर TNT ये मेरे बाद में काम आएंगे जब मैं डायमंड का आर्मर बना लूँगा और मेरे को नेदरराइट की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ से निकल लेता हूँ और सामने ही जल्दी निकल लेता हूँ जितना हो सके, और जल्दा ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा जगह एक्सप्लोर करनी थी। तो मैं वो ट्राई करता रहता हूँ और मैं जितना हो सके। और यहाँ पर आई थिंक मुझे एक वाटर मिल जाता है, तो यहाँ से मैं वाटर बकेट फिल कर लेता हूँ। क्यों थी नहीं मेरे पास वाटर बकेट फिल। मैं ये भी तोड़ लेता हूँ, शुगर केन ईजी होता है ना, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है इस यहाँ पर लेना, और कभी कभी किसी जगह हार्ड हो जाता है तो मैं ले ही लेता हूँ मेरे घर के लिए क्योंकि इंचैंटिंग टेबल बनानी थी। और हाँ, यहाँ पर मेरे को कोई मारने का इरादा नहीं था, पर मेरे को एक अचीवमेंट कंप्लीट करनी थी। नॉट टुडे, ये वाली ओपी अचीवमेंट है यार, ये मैंने कंप्लीट कर दी आराम से। और मैं निकल लेता हूँ एक विलेज के लिए, मेरे को सामने ही विलेज दिख जाएगा। वो मैंने जितना ज़्यादा हो सके उतना जल्दी पार्ट स्किप कर ही दिया है। और यहाँ पर मैं स्केलेटन को डॉज कर रहा था, ये विलेज डेजर्ट टेंपल के साथ मर्ज हो गया था। मैं भी ये बहुत रेयर होता है कि डेजर्ट टेंपल और प्लस विलेज बहुत ही कम दिखते हैं, तो मर्ज हो गया था। तो क्या कर सकते हैं, मैं सो जाता हूँ फालतू में, रात में बाहर नहीं निकलता जब तक कि मैं पावरफुल ना हो जाऊँ। ये वापस हो गया था यार, लेकिन और ओके मैं बाहर निकलता हूँ, सामान वामान चेक करता हूँ। पहले डेजर्ट टेंपल लूटते हैं आराम से। और ये डेजर्ट टेंपल के अंदर किसी का घर बन गया था, बहुत ही हार्ड। और यहाँ पर एक मूव था, मे बी ये रहा। ये मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ तो मेरे को थोड़ा बहुत याद रहता है उस हिसाब से बोल रहा हूँ, अदरवाइज नहीं। विद वॉइस गेम प्ले रिकॉर्ड करना मेरे लिए हार्ड है कि हेडफोन्स यूज़ नहीं करता मैं। ओके, एक मेरे को वो एरो मिल गया था तो मैं इसको पिकअप कर लेता हूँ, उठा लेता हूँ, बहुत ही सही है। बाद में उठाऊँगा, अभी तो नहीं मे बी। ओके, तो ये वाला भी लक ओपी था। इस वीडियो में लास्ट जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें मैंने हर टाइप की MLG कर ली थी, मतलब कि हर जगह MLG कर ली थी। तो मेरे को ये याद आ गया था, मेरे को सिंपल डबल टैप करना था, तो मेरे को वापस उठा लिया सारा सामान। ओके, मैं गन पाउडर सब ले लिया, इधर से भी डायमंड हॉर्स आर्मर क्या ही करेंगे जब यहाँ पर हॉर्स ही स्पॉन नहीं होंगे। होंगे पर किसी विलेज में होंगे ट्रैप्ड और कुछ नहीं, और वो फालतू में नहीं काम आएंगे। फिर वैसे भी जब मैं अंडर ड्रैगन को मार दूंगा तो इलेक्ट्रा है ना, और गन पाउडर तो भर के मिलेंगे, गन पाउडर और शुगर केन। तो यहाँ पर मेरे को एक मल्टी शॉट की बुक मिल जाती है जिसको मैं ले लेता हूँ, आगे जाकर काम आएगी क्योंकि बुक अच्छी होती है, इनकेस कहीं ना कहीं काम आ ही जाएगी। और रिक्शा वाला चुप, मैं TNT भी उठा लेता हूँ, TNT के तो मालूम है ना क्या काम आएगा, नेदर फोड़ने में, उसी से मैं ऐसा डेब्रिस माइन करूँगा। फार्म में बना तो सकता नहीं हूँ अच्छा वाला एफिशिएंट एकदम परफेक्ट फार्म, वो जल्दी बनेगा नहीं यहाँ पर डेजर्ट में, वो सिर्फ ओशन के ऊपर ही बनता है अच्छे से। तो मैं यहाँ से बाहर निकल लेता हूँ जल्दी,
और ये मैं एरो पढ़ा था, इसको मैं उठा लेता हूँ ये कैक्टस ड्रॉप करके, क्योंकि एरो जल्दी मिलेंगे नहीं, मेरे को बना नहीं पाऊँगा। बस इन्वेंट्री में एक एरो रहेगा, इनकेस मैं ज़्यादा स्केलेटन को वगैरह को मारूंगा तो वो मेरी इन्वेंट्री में ड्रॉप करते रहेंगे। और ये खाटोग्राफर मैं चेक करूँगा, वुडलैंड मैंसन डेजर्ट में मिलेंगे कि मैं मजाक कर रहा हूँ। अगर मैं चेस्ट लूटता हूँ, देखते हैं इनकेस कार्टोग्राफर के साथ ट्रेडिंग करूँगा मैं फ्यूचर में, तो चेक करेंगे कि डेजर्ट डेजर्ट नहीं वुडलैंड मैंसन जाऊँ और मैं इस आयरन गोलम को फिर से मार देता हूँ। आयरन के लिए कुछ भी करेगा माइनिंग के अलावा। ओके तो पहले मैं सही से ट्राई करता हूँ, कहीं अगर मैं नीचे गिरा मैं स्पॉन तो यहीं हो जाऊँगा, मेरे को कोई टेंशन नहीं, पर मेरी एक्सपी चली जाएगी 9 और मेरे को एक्सपी करनी है फ्यूचर के लिए कि मैं एक्सपी बढ़ाता रहूँ। और ये मेरे को आगे जाते ही एक मिल जाती है, मेरे को एक ये छोटी सी केव होती है आगे जाकर एक मस्त रिवेन बन जाती है, और तुम्हारे भाई का लक देखना खाली। ओके ओपी लक, उससे भी ओपी वाला सीन भी है यहाँ पर। ओके मैं इसको माइन कर लेता हूँ सिंपल, जितना हो सके उतना माइन करेंगे। ओके मैं देख लेता हूँ इन्वेंट्री में आ गए ना। ओके अब मैं दो रास्ते थे तो मैं पहले ये लावा वाला चूज़ करता हूँ कि हाँ लावा थोड़ा अच्छा दिख रहा था, हमें लावा की तरफ का रास्ता। तो इधर आते ही मुझे एक रिवीन दिखती है और रिवीन के नीचे डायमंड वो दिख रहे हैं ना, तो मैं बिना सोचे समझे वाटर के अंदर कूद जाता हूँ और साथ में एक क्रीपर भी। बहुत ही यार कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे मरते मरते बचूंगा, दो बार हुआ मेरे साथ ही है। ओके और मैंने डायमंड भी उड़ा दिए, मैं डायमंड उठा लेता हूँ पहले। ओके तो मैं ये कुछ क्या था ये ड्रॉप कर देता हूँ। ओके अब यहाँ पर क्या सीन हुआ है, एक क्रीपर आता है, मैंने ये ड्रॉप कर दिए थे, तो जैसे मैं क्रीपर आता हूँ भागने की कोशिश करता हूँ, ये खतरनाक पार्कौर और क्रीपर मेरे पीछे पड़ जाता है। क्या दुश्मनी है आज, देखना आगे जाके और भी सीन हो गए मेरे साथ क्रीपर के। तो मैं जल्दी जल्दी भागने की कोशिश करता हूँ, नहीं रह सकता क्रीपर के साथ, और मैं जल्दी से मतलब जल्दी जल्दी में हो जाता है काम गड़बड़ी, तो मैं बच जाता हूँ कैसे भी करके। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और स्केलेटन सामने, तो मैं डबल चक्कर में फंस गया, पीछे क्रीपर सामने स्केलेटन, तो मैं जाके यहाँ पर छुप जाता हूँ। पहले मैं वेट करता हूँ कि हाँ वो आएगा तो मैं उसको मारूँगा वगैरह वगैरह, पर जब आता नहीं तो मैं हेविल से कवर कर देता हूँ, फिर आता है तो मैं इसको एक्स से मार देता हूँ, वो इजी पड़ा मेरे लिए। अच्छा ओके मैंने जल्दी हेविल से कवर कर दिया, अगर ये अंदर घुसता तो मेरे को मार सकता था, नहीं मार तो नहीं सकता पर काफ़ी हेल्थ डाउन कर देता मेरी। तो मैं एक बोल उठा लेता हूँ और मैं यहीं से माइनिंग स्टार्ट कर देता हूँ जितना हो सके डायमंड वगैरह के लिए, और ये मेरे को थोड़े बहुत मिल गए थे। और मैंने यहाँ पे चंक बॉर्डर इसलिए ऑन कर दिए थे क्योंकि मुझे लैपिस मिल गया था और साथ में डायमंड भी, तो लैपिस वाला सीन याद होगा ना कि लैपिस से नेगेटिव जेड पे 4 ब्लॉक जाओगे तो तुमको नीचे तरफ डिग करोगे तो तुमको डायमंड दिखेंगे, तो वो मैंने उसके लिए किया था पर मेरे को मिले नहीं, पर आगे ट्राई करूँगा ज़रूर। तो मैं इस डायमंड को माइन कर लेता हूँ क्योंकि वाटर मैंने इसलिए डाला लावा ना आ जाए, और लावा आता है तो डायमंड जल्दी जल सकते हैं, तो मैंने ये सब माइन कर लिया, लावा जल सकते हैं जो भी हो। अब मैं ये वाटर उठा लेता हूँ, अब मैं ये धीरे धीरे पूरा ऑब्सीडियन बना लूँगा। और मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मेरे को जल्दी घर जाना होता है तो मैं यहाँ पर एक नेदर पोर्टल बना देता हूँ ताकि मैं घर जा सकूँ, पर ये सीन बहुत ही खतरनाक। मैं यहाँ पर एक चंग वाटर ऑफ करने के लिए जा रहा था और वैसे ही क्रीपर फटा, खतरनाक। मैंने लिटरली सारी होप गवा दी थी कि मैं कुछ वापस कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, मेरे को कोई आइडिया नहीं था, तो मैंने सबसे पहले रिकॉर्डिंग ऑफ की और मैंने लास्ट में बहुत ही अच्छा किया था कि मैंने F3 दबा दी थी तो मेरे को कॉर्नर्स दिख रहे थे, तो मैंने जैसे रिकॉर्डिंग ऑफ की और मैं इस कोऑर्डिनेट्स पे जाने लगा, जो जास्ट लास्ट जो थे ना उस कोऑर्डिनेट्स पे जाने लगा, जितनी हो सके इतनी जल्दी गया और मैं यहाँ पे बचा क्योंकि वहाँ पे मैंने 3 डायमंड फूड और टूल्स थे वो मैं नहीं गंवाना चाहता था क्योंकि वो फिर मिलना बहुत ही हार्ड होता है। ओके तो मैं वापस आ जाता हूँ, टेलीपोर्ट नहीं ये मैं सर्वाइवल में ही आया हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं बनाना चाहता,
30 मिनट के लिए काफ़ी अच्छी है, और मैं देखता हूँ कि हाँ मैं किधर जाऊँ किधर जाऊँ, फिर मेरे को ये रास्ता दिखता है और मेरे को सामान मिल जाता है। पर सामने ही मतलब कि एक क्रीपर वगैरह आ जाता है, तो मैं इसको छुप बचने के लिए मैं भाग लेता हूँ। और मेरा स्प्रिंट ऑफ हो गया था, तो वो मैंने जल्दी जल्दी हेवेल का यूज़ किया, खुद का कवर, खुद के लिए कवर बनाया, कवर तो एक मेरे को हिट पड़ गया था, तो मैंने जल्दी जल्दी बंद कर दिया। अब मैं यहाँ पर पहले आर्मर पहन लेता हूँ जो मेरे को मिला। ओके, आई मीन आर्मर तो नहीं पहनूंगा, पर मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, वो पहले आर्मर ही पहन लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर पहले फूड बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास फूड मैंने पिकअप नहीं किया था। तो मैं सिंपल ट्रिक करता हूँ और ये दोनों उठा लेता हूँ, और यहाँ पर मैं डबल दोनों माउस की दोनों बटन दबा कर मैं ब्लॉक रिप्लेस कर लेता हूँ। वो सही रहता है, अगर मैं ब्लॉक तोड़ता फिर रिप्लेस करता तो मेरे को मॉब जी स्केलेटन का एक हिट पड़ सकता था, पर मैंने रिप्लेस कर दिया था ब्लॉक, तो मेरे को हिट करने के कोई चांसेस नहीं थे। और मैं फिर से एक आर्मर बना लेता हूँ, आर्मर सही रहेगा क्योंकि वो ओल्ड आर्मर तो वहाँ पड़ा है, मैं उसको उठाने जाऊँगा फिर पहनूँगा तो काफ़ी टाइम हो जाता है। तो मैंने पहले आर्मर बनाना सोचा कि हाँ एक चेस्ट प्लेट बना लेते हैं, एक हेलमेट बना लेते हैं, तो ये दोनों मेरे प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। तो मैंने पहन लिया दोनों को। ओके, अब मैं तोड़ता हूँ ब्लॉक और फिर लड़ लेता हूँ इनसे। ओके, मैं इधर देखता हूँ, इधर तो कुछ नहीं होता, फिर मैं उधर जाता हूँ, उधर मेरा सामान डिस्पोन ना हो जाए इसलिए मैं गया। और ये क्रीपर था तो मैंने सोचा इसको ब्लास्ट कर देते हैं, फाइट करने की ज़रूरत नहीं है, और मेरा सामान भी इधर नहीं था तो वो गायब नहीं होगा। ओके, तो ये सामान उठा लेता हूँ। जैसे स्केलेटन और क्रीपर दोनों से मेरी दुश्मनी हो गई थी इस वर्ल्ड में, खतरनाक मेरे को मारते मारते बचे हूँ मैं इनसे। क्रीपर से तो मर ही चुका हूँ, देखा अभी। ओके, मैं इसको ट्राई करता हूँ, और दोनों फाइट करने लगे थे तो मैंने इग्नोर कर दिया। ओके, अब मैं पूरी हेवल उठा लेता हूँ सारी, ये हेवल से पहले फूड बनाता हूँ फिर हेवल उठा लूँगा। एक और क्रीपर स्केलेटन, सॉरी क्रीपर नहीं स्केलेटन, कितने स्केलेटन क्रीपर भरे थे यहाँ पर। ये मेरी पॉकेट से कुछ ज़्यादा ही स्पॉन होते हैं यहाँ पर, मैंने पॉकेट में इतने सारे नहीं देखे मतलब इतनी जल्दी। मैं फूड बनाता हूँ, सिंपल खाता हूँ और अपना सामान ले लेता हूँ। ये लास्ट बचा था, मैंने मार दिया, पर ये काफ़ी अच्छा लिटली जिकल देते हैं। ओके, मैं ये सारा सामान उठा लेता हूँ वापस, फूड ये वो तोड़ नहीं रही थी, और मैं निकल लेता हूँ। मैं उस केब में लिटली ज़्यादा देर तक रुकने वाला नहीं था, तो मैं जल्दी से जल्दी ट्राई करता हूँ निकल ही लूँ, क्योंकि मैं कभी भी मर सकता था। ओके, ये एक और, तो मैं यहाँ पर भी आता हूँ, यहाँ पर चेक करता हूँ पहले कोई है तो नहीं, क्योंकि अगर मैंने चेक नहीं किया और मैं ऐसे ही घुस गया तो अलग ही क्रीपर वगैरह आएगा और मेरे को ख़त्म, और मेरा यहाँ पर सारा सामान चला जाएगा। और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा डायमंड, तो इसका मतलब समझते हो 5 डायमंड तुम्हारे पास, एक पिकेक्स और एक इंचेंटिंग टेबल, दोनों में बना सकता हूँ ईजिली। और मैं इंचेंटिंग टेबल से सीधा फॉर्च्यून थ्रू लूँगा और माइनिंग पे चला जाऊँगा, और मेरे को डायमंड आर्मर मिल जाएगा। और आई थिंक वो डायमंड आर्मर अभी नहीं बनाऊँगा, मैं नेक्स्ट एपिसोड के लिए रखते हैं। और मेरे को 4 गोल्डन एप्पल मिल गए थे, एक थ्रोन्स 2 की बुक जो कि मैं रख देता हूँ यहाँ पर, किसकी जगह रिप्लेस करूँगा मैं, मेरे को याद नहीं है, मैंने वो हो की जगह कर दी है, हो का कुछ है। 5 गोल्डन एप्पल और ऑलमोस्ट एक स्टेप तक रॉकेट, तो मेरे को TNT की जरूरत कमी पड़ेगी नहीं मेरे को इस वर्ल्ड में। देखो डेजर्ट टेंपल है, डेजर्ट टेंपल में गन पाउडर TNT दोनों एक्स्ट्रा मिलते हैं, और डेजर्ट है तो वहाँ पर सैंड तो कभी कम नहीं पड़ेगी। तो मैं निकल लेता हूँ वापस ऊपर के लिए आराम से, मैं पूरा कट कर देता हूँ। और मेरे को यहाँ पर लास्ट में दिखता है कि ये, और मैं यहाँ पर सिंपल ट्राई करता हूँ ऑक्सीजन ले लूँ, ये एक अचीवमेंट होती है वो लेंगा। और मैं यहाँ पर पहले बना लेता हूँ डायमंड पिकेक्स। ऑक्सीजन मैंने इसलिए ले रहा था क्योंकि मेरे को इंचेंटिंग टेबल बनानी थी, तो मैं पहले ऑक्सीजन ले लेता हूँ, ऑक्सीजन बना लेता, आई मीन डायमंड पिकेक्स बना लेता, फिर ऑक्सीडियन माइन करता हूँ। और टाइम लग जाता है काफ़ी काफ़ी, तो मैं स्पीड में कर देता हूँ ये सब, बहुत ही टाइम लगता है, कितने 10 सेकेंड अराउंड, 10 या 5 सेकेंड एक को तोड़ने में। तो पहले मैं सामान ड्रॉप कर देता हूँ, ये पिकेक्स मेरे कुछ काम की नहीं रही थी तो मैंने ड्रॉप कर दिया, और
जल्दी से जल्दी मैं ऑक्सीजन माइन कर लूँ, मेरे को चार ही चाहिए थे तो मैं चार ही माइन करूँगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि नेदर पोर्टल तो मेरे घर के पास ही है जो कि मैंने बनाया है, तो मेरे को ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं, तो मैं यहाँ से माइन कर लेता हूँ जल्दी जल्दी और निकल लेता हूँ। तो मैंने मतलब कि एक्स्ट्रा चीज़ें फेंक दी थी, और ये मेरे को क्राफ्टिंग टेबल छोड़नी नहीं है कहीं पर भी, मैं ये भी फेंक देता हूँ। मैं फेंकूँगा ग्लास, यस ग्लास फेंकूँगा, मेरे को याद रहेगा, नहीं हाँ बूट सी फेंक देता हूँ। ओके अब मैं निकाल लेता हूँ घर के लिए, मेरे को जो कोऑर्डिनेट्स याद थे तो उसके हिसाब से मैं घर इजीली आ जाता हूँ, मैं कोऑर्डिनेट्स जल्दी भूलता नहीं, और मेरे को माइनक्राफ्ट में कोऑर्डिनेट्स की नॉलेज काफ़ी अच्छी है, मैं जल्दी पहुँच जाता हूँ। ओके मैं वापस आता हूँ, पहले फूड हंगर फुल करते हैं और मैं वापस आ जाता हूँ। मैं जाकर कुछ क्राफ्टिंग करूँगा, ये विलेजर मेरे घर में, मैं इसको ट्रेडिंग कर लेता हूँ क्योंकि ये अचीवमेंट मैं जल्दी से जल्दी हंट करूँगा। ओके मैं यहाँ पर एक वो बनाऊँगा इंचेंटिंग टेबल, हाँ वो मेरे को रेसिपी याद थी तो मैं उसके हिसाब से बना लेता हूँ। मैं रेसिपी बुक ज़्यादा यूज़ करता नहीं, जितनी मेरे को याद रहेगी उसके हिसाब से मैं चलता रहता हूँ। ओके एक बुक रखनी होती है ऊपर, सिंपल ये बन गई मेरी इंचेंटिंग टेबल, और मैं इसको ऐसे ही रैंडम प्लेस कर दूंगा क्योंकि मेरे पास ना लेदर थे ना कुछ, और लेदर मेरे को नेदर से मिलेंगे नेदर से, वो भी नेदर से अगर मैं पिगलिन से ट्रेड करूँगा वो मेरे को लेदर देगा, या फिर हॉगलिन को, हॉगलिन बोलते हैं ना या जोगलिन, हाँ हॉगलिन जोगलिन मेरे को जो मेरे को याद नहीं, उसी को मारने से मेरे को लेदर मिलेगा। तो ये दो ऑप्शन थे और अभी मैं लेदर नहीं बना पा रहा था, तो सबसे पहले मैं बनाता हूँ सिल टच की इंचेंटमेंट, आई मीन पिकैक्स, यहाँ पर सिल टच पड़ी थी तो वो मैं उठा लेता हूँ, और सिल टच की मैं यूज़ बताता हूँ अब आगे जाकर मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ। तो सिल टच में बना लेता हूँ, मेरी एक्सपी जितनी लगेगी मेरे को कुछ फ़ायदा नहीं, मतलब कि कुछ प्रॉब्लम नहीं, मैं पहले सो जाता हूँ। अब मैं जाऊँगा नेदर, और नेदर से जाकर मैं माइलेजियम जो वुड बोलते हैं वो, और वार्फ ऐसा कुछ वुड बोलते हैं उसकी जो डर्ट होती है ना, डर्ट यहाँ जिस पर उगते हैं वो लेकर आ जाऊँगा। मैं बूट्स पहन लेता हूँ, यहाँ पर फिर पिगलिन मेरे पीछे पड़ेंगे, वो मेरे को रिक्स चाहिए नहीं, वैसे भी ते को वहाँ पर हॉगलिन पड़ेंगे वो हैं, इनकेस एंडरमैन होंगे वो भी हैं, तो मेरे को दोनों से पंगा लेना नहीं है मतलब कि एक साथ सबको, तो मैं जल्दी जल्दी मतलब कि निकल लेता हूँ नेदर के लिए। जो मेरे को चाहिए था वो मैंने रख लिया, और मैंने यहाँ पर चेक करता हूँ कुछ अच्छा मिल जाए तो, पर मेरे पास लैपिस नहीं था तो मैंने कुछ इंचेंट करा नहीं, और मैं निकल लेता हूँ नेदर के लिए सिंपल। जैसे मैं मतलब कि नेदर में जाता हूँ मैं कुछ होता नहीं खास, पर MLG मेरी फेल होती है और ये आ जाता है मेरे सामने, मैं उसको मारने में मेरी एक्स टूट जाती है। अच्छा वो कि मैं साथ में आयरन लेकर आया था, आयरन इंगट, और मैं उससे आयरन पिकेक्स आयरन एक्स बना लेता हूँ। जल्दी से टूटी तो नहीं पर बना ली थी मैंने एक्स, की टूटना नहीं चाहिए था, और ये किसी के साथ ना हो लाइफ में। एक ब्लॉक रह गया मैं, अगर एक ब्लॉक और नीचे जाता सीधा गेम ओवर नहीं रिस्पॉन का आता, और मैं एक नया ब्रिज बना लेता हूँ क्योंकि ऊपर एंडरमैन थे और मैं उनको डिस्टर्ब करना नहीं चाहता था। एक नया ब्रिज, और ये जो वार्प जो है इसकी, इसको कुछ और बोलते हैं डट को, ये मैं उठा लेता हूँ जितनी हो सके, मतलब कि एक एक स्टैक ले लेते हैं दोनों की, रेड और ब्लू वाली, रेड ब्लू बोलूँगा मैं, मेरे को नाम मालूम नहीं था, और मैं अभी मैं सर्च करने नीचे आ रहा, मैं अभी सिंपल रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरे को नाम नहीं याद आता, मैं ब्लू और रेड वाले दोनों के ले लेता हूँ जितने हो सके, एक स्टैक के आसपास ले लेता हूँ, और सिंपल, और मैं लाइट्स भी ले लेता हूँ, लाइट्स काफ़ी अच्छी होती है, लाइट्स आ ही जाएंगी अगर मैं इसको ओवर वर्ल्ड में लगाऊँ, इन पर बॉन मिल मारूँ, और इन पे जो वो हो गए ना फंगस, उनका यूज़ करूँ तो लाइट्स मेरे ओवर वर्ल्ड में भी आ जाएंगे, ईजी रहेगा, लाइट्स फिर वुड और ये सब काफ़ी अच्छा रहेगा, और मैं ये लेकर सिंपल अपने ओवर वर्ल्ड में आ जाता हूँ।
मेरे को ज़्यादा रिस्क लेनी है ना, मेरे को नेदर फोर्ट्रेस जल्दी अभी जुड़ना नहीं था, और मेरे साथ एक मेहमान भी आ गया था, मैं उस मेहमान को इग्नोर कर देता हूँ, मैं मार देता हूँ बाद में, वो मैंने सीन दिखाया नहीं ज़्यादा कुछ खास नहीं। और मैं ये जो था ना जो लेकर आया था डर्ट वहाँ से नेदर रैक जो भी हो वो मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ, अच्छी जगह ढूंढ रहा था और ये मेरे को अच्छी जगह मिल गई। ओके मैं ये प्लेस कर देता हूँ जल्दी जल्दी, काफ़ी थे, मैं दोनों को मतलब कि साइड बाई साइड बना दूंगा, एक साइड रेड और एक साइड ब्लू। ये एक अच्छा बिल्ड है, अगर आप ट्राई कर सकते हो मतलब कि रेड और ब्लू दोनों मिक्स करो और बीच में एक नेदर फोर्ट्रेस या फिर बेसन मोन्यूमेंट या फिर खुद का घर बनाओ तो अच्छा रहेगा, मैं ये ज़रूर ट्राई करूँगा। तो ये मैं बना लेता हूँ, काफ़ी सही था। और मेरे को चेक करना था कि अगर मैं नॉर्मल नेदरैक प्लेस करूँ नेदरैक और उसके बाजू में ये प्लेस करूँ और दोनों पे बोन मिल मारूँ तो ये कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब कि दोनों सेम हो सकते हैं। तो ये मैंने जो ट्राई किया और हो भी गया था, जैसे ये मैंने प्लेस किया और मैं बोन मिल लेकर आया और मैंने मारा तो दोनों कन्वर्ट हो गए थे। तो मेरे को अब नेक्स्ट टाइम ये लाने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं सिंपल नेदरैक लेके आता और मैं ये दोनों कर देता। मैं काम करता हूँ सिंपल, मैं सब पे बोन मिल मारूँगा और ये जितने हो सके उतने फंगस पे बोन मिल मारूँगा और ट्रीज बनेंगे और इस ट्रीज का मैं आगे जाकर यूज़ करूँगा। ओके तो मतलब कि यहाँ बहुत सारे मतलब कि ट्रीज मैं जल्दी जल्दी बना देता हूँ, अच्छे रहेंगे और मेरे यूज़ में भी काफ़ी आते रहेंगे, मैं इनसे बहुत ही अच्छी चीज़ें बना सकता हूँ, लाइक डेकोरेशन में कर सकता हूँ और मैं जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाऊंगा। और जितने मेरे इन्वेंटरी में सारे पड़े थे जो भी वो सारे मैं फंगस लगा देता हूँ, ब्लू वाले और उनके ट्रीज उगा देता हूँ, बहुत ही अच्छी है और ये उग जाते हैं जल्दी जल्दी। मैं कभी कभी बहुत ही ज़्यादा मतलब सफोकेट होते होते बचा, तो मैं ऐसे मतलब कि नॉर्मल मार रहा था कि वो फंगस उग जाए और ये उग जाता है अच्छा रहता है, वो मैं लगा देता हूँ वापस और जल्दी जल्दी बोन मिल मार देता हूँ सब में और बहुत ही ज़्यादा, और मैं बोन मिल मेरे ख़त्म। तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता था, जितना हो सके उतना और मैं वापस लगे रहने दूँगा, ये वापस उगेगा तो अच्छा रहेगा। और बस अभी आज की वीडियो में इतना ही, मैंने आज की वीडियो में वर्ल्ड एक्सप्लोर किया, इंचेंटिंग टेबल बनाई, दो तीन डेजर्ट टेंपल लूटे और एक मतलब कि दो तीन बुक्स मिल गई मेरे को और नेदर को मैं ओवरवर्ल्ड में ला दिया, छोटा पार्ट लाया हूँ पर लाया तो हूँ बस। तो मिला फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।